स्पेशली बोर्ड कैंप स्टूडेंट फ्रॉम खालिद के लिए आया और आपके लिए ताकि आपसे मुलाकात होती रहे। और मैं इस फील्ड में सर तकरीबन 2 साल से हूँ, लॉन्चेस भी अलहमदिल्ला किए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एजुकेट भी हो रहे हैं। तो मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे 80% यूथ जो हैं तो अपने किचन लूप को सॉर्ट करने में लगे हैं, लेकिन वो जब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आप एड्रेस कर दें कि देखिए अपने ट्रेड को डिप्रेशन से अलग किस तरह करना। हमेशा डिप्रेशन से निकलने का ना सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप अपने लाइक माइंडेड 2-3 लोगों के साथ मिल जाएं। अकेला बंदा जब बैठा होगा ना वो डिप्रेशन का ही शिकार होगा। जब आप 2-3 लोग आपस में साथ ही बैठे हुए हैं तो आप 3 लोग कहें जी 3 से स्टार्ट करें और एक पार्टनरशिप का कल्चर दें अपने आप को, या लेट्स डू दिस टुगेदर, ये मकसद ही है यहाँ का। 3 लोग आपस में मिलें और ये सोचें कि कैसे हमने अपने आप को स्केल करना है। स्केलेबिलिटी का बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे स्केल करना है। एक छोटी छोटी चीज़ों को लॉन्च करके देखना शुरू करें मिलकर आपस में। एक एजेंसी का अपना भी कल्चर दिया, दूसरा खुद की भी लॉन्चेस की, ना कि सारी ज़िंदगी लोगों को सर्विसेज दिया। तो ये सबसे बड़ी तो ये एक चीज़ है। दूसरा हम लाइव कोचिंग सेशन भी करते हैं लाहौर में, जहाँ पर अगर कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार है या कोई ऐसा है कि मायूस है तो फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है, उसको यूटिलाइज़ करें, आकर डिस्कस करें अपने इश्यूज कि मैं ये फील कर रहा हूँ या मैं ये डीमोटिवेटेड हूँ, जहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं आपको ये सर्विसेज देने के लिए। कितने लोगों को पता है ये चीज़ हो रही है? बहुत कम लोगों को पता है, 4-5 लोगों को पता है, राइट? सो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। सो हमेशा जब भी आप कह लें कि मायूस हों या डिप्रेस हों तो हमेशा उसका हल ये है कि यू नीड टू टॉक, अपना अंदर से निकालना है। और वो कैसे निकाल सकते हैं? आपस में यहाँ पर, और हम तो आपके पास आते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने अपने दिल की बातें निकाली तो ये आपस में भी निकालनी है और इनेबलर्स के अगेंस्ट भी निकालनी है, इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पर।